आज हम बनाएंगे घर पे आलू की बिल्कुल नई ट्रिक से सब्जी। अगर आप हमारी इस ट्रिक से सब्जी घर पे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपके घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एक बार हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ये 8 आलू ले लिए हैं, छील करके धो लिया इनको। अब हम इनको पहले थोड़ी सी चोट मार लेंगे, हल्की सी इस तरीके से। ये देखिए, सभी आलू में हम इसी तरीके से चोट मार के रख लेंगे। अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे, हमने तेल डाल दिया है, गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ये आलू डाल देंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से सभी आलू करना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, थोड़ी थोड़ी सी चोट लगानी है इस तरीके से। देखिए इनको हम 2 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक ये हल्के हल्के से लाल होने स्टार्ट ना हो जाए। देखिए अब ये हमारे आलू हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, सिक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, हमने आलूओं को बर्तन में निकाल लिया है। अब हम हमारी सब्जी की ग्रेवी स्टार्ट करेंगे बनाना, जिसके लिए हमने ये प्याज, 5-6 लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर ले लिए हैं। और अब हम इसको डाल लेंगे मिक्सी में, ग्राइंडर में हम इसको पीस लेते हैं एक बार। टमाटर भी ऐड कर देंगे इसी में। ये देखिए हमारा ये मसाला पीस के तैयार हो चुका है। ना तो हमने ज़्यादा इसको बारीक पीसा है और ना ही ज़्यादा दरदरा रखा है, इसको थोड़ा मीडियम ही रखेंगे हम। और अब हम इसको निकाल लेते हैं बर्तन में। अब ये हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है और हमारे आलू भी तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस ऑन कर लेंगे। कढ़ाई रख दी है हमने, इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड डाल दिया है, रिफाइंड गरम होने देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और ये जो हमने मसाला पीसा था इसको डालेंगे। अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, ताकि जो ये हमारी टमाटर, प्याज, लहसुन की जो थोड़ा सा कच्चेपन की होती है, वो कच्चापन खत्म हो जाएगा। 1 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमको इसको फ्राई कर लेना है, लगेगा नहीं नीचे वैसे भी। और जब तक हमारा ये प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं सब्जी का। दही लिया है हमने ये 1 छोटे वाला कप, इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे पहले। और अब हम इसमें डाल लेंगे हमारे मसाले। ये हम गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, जो कि हमारा घर पे ही बनाया हुआ है। इसमें हमने सभी खड़े मसाले पीस रखे हैं, जैसे दालचीनी है, तेज पत्ता है, सब कुछ। और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच डाल देंगे हम धनिया। और इन सभी चीजों कर लेंगे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स। हमारा ये मसाला अच्छी तरीके से फिट चुका है। अब हम हमारे प्याज टमाटर देख सकते हैं, ये भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो ये दही वाला हमने मसाला बनाया था। और इसको भी हम
एक मिनट के लिए इसी तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये एक कप पानी ले लिया जो हमारी मिक्सी के जार में ये मसाला लगा रह गया था वो अच्छे से साफ कर लिया और हम इसमें ये अब ऐड कर देंगे और हमारे मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई हो भूनने देंगे जिससे कि हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। ये देखिए हमारा ये मसाला बन करके तैयार हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें हमारे ये फ्राई किए हुए आलू। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे इसको एक मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दो गिलास पानी और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। बर्तन से झोंक देंगे और गैस मीडियम कर देंगे। अब इसको हम धीमी आंच में आलू को पकने देंगे। अब हमारी सब्जी देख लेते हैं हम आलू पक चुके हैं अच्छे से और ये देखिए इस तरीके से देखिए ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम गैस कर देते हैं बंद और हमारी सब्जी को निकाल देंगे बर्तन में। हमारी सब्जी बन करके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।